हेलो पैशनेट गार्डनर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लगाने वाली हूँ कैप्सिकम। मेरे पास कुछ कैप्सिकम के बीज हैं और कैप्सिकम के अलावा आज मैं लगाने वाली हूँ करेला और बैंगन। ये हैं कैप्सिकम के सीड्स। अभी 2 दिन से हमारे एरिया में बहुत बारिश हो रही है लगातार, तो मैंने सोचा क्यों ना बीज लगा लिया जाए। वैसे तो मुझे कुछ दिन पहले लगा लेने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही। देख लेते हैं क्या होता है आगे। एंड अब ये है मेरे पास कुछ बैंगन के सीड्स। ये बैंगन के सीड्स हैं। मैंने ये पहले भी लगाए थे कैप्सिकम और ब्रिंजल, लेकिन हुआ ये कि उसमें वायरस का अटैक आ गया और मेरे पास अभी कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है। जो पेस्टिसाइड मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे पास अभी नहीं है। सो अभी मैंने उसका कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि एक और बार बीज लगा दिए जाए। और यहाँ टिक्कू मेरे बीज सुन रहे हैं। आज टिक्कू भी बहुत खुश है कि इतना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। इसके सीड्स थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए इसे ज्यादा डेप्थ में नहीं लगाना चाहिए। और ये लग गए हैं मेरे ब्रिंजल के सीड्स। और अब है बारी पानी डालने की। वैसे तो मिट्टी गीली है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे छिटक देंगे। एंड ये है मेरे करेले के बीज। तो मैं 3 लगा लेती हूँ। मैंने 2 ऑलरेडी लगा रखी हैं बेल, जिनमें करेले आ भी चुके हैं और एक बार उसकी हार्वेस्टिंग हो भी चुकी है, पिकिंग उससे ले ली है मैंने। और ये 3 मैंने लगा दिए। करेले भी लग चुके हैं। एंड मैंने पहले भी 2 करेले की बेल लगा रखी हैं और ये तो है एक बेल जिसमें कुछ करेले आ भी चुके हैं अब, और आज मैं इसी को हार्वेस्ट करने वाली हूँ। और एक है ये बेल, देखते हैं आज कितने करेले मिलते हैं। और अब मैं करेले इसे तोड़ लेती हूँ। मेरे पास 2 बेल थी, एक बेल तो ऐसी है ये वाली जो छोटे करेले देती है, और एक बेल है जो बड़े करेले दे रही है। मतलब आई थिंक वो बीज उनके साथ मिक्स हो गए थे जो मैंने लगाए थे। और ये फिर मुझे 3 भिंडी मिली है आज, और ये थोड़ा सी लहसुन है। इसको मतलब ये जिसमें मैंने उगाई थी उसी में रह गई थी, और आज मुझे थोड़ा खुदाई करते हुए मिल गई तो मैंने निकाल ली। एक ये है, तो इस बेल में तो 2 ही आ रखे हैं। और पहले मुझे इससे 4-5 करेले पहले भी मिल चुके हैं, कल भी मैंने 1-2 निकाल दिए थे। और अब दूसरी बेल की बारी है, और ये है लंबे करेले वाली बेल, तो आई थिंक इसे काटने का सही समय आ गया है। एक ये है, और अभी ये एक जो है वो बढ़ रहा है, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारी करेले की बड्स आ रखी हैं। ये एक ये है, और भी काफ़ी सारी आ रखी हैं जो दिख ही रही हैं अभी। एंड ये आज मुझे मिले हैं 4 करेले। वैसे करेले कोई खाता नहीं हमारे घर में, मम्मी के अलावा, तो आई थिंक मम्मी के लिए काफ़ी होंगे।
एंटीकू भी यहाँ पर खुश है। करेले खाने हैं? नहीं, आप नहीं खाओगे। एंड ये मैंने कद्दू की बेल लगाई थी जो अब ये भी बड़ी हो चुकी है, तो इसे भी मैं नीचे लगा दूंगी। एंड ये है भिंडी, मैंने कुछ भिंडी के बीज लगाए थे जो अब ऊपर आ चुके हैं। आई होप ये जल्दी से बड़े होके मुझे बहुत सारी भिंडी दे दें। एंड आज का हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है बहुत सुंदर, क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और आज ही मौसम क्लियर हुआ है। सो बस गाइस, ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।